एवरीवन, दिस इज सीए पायल फ्रॉम इकोनॉमिक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आप बन सकते हैं कंपनी के ऑडिटर। आखिर क्या होती है एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन एक कंपनी के ऑडिटर बनने की, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कौन वो लोग हैं जो बिल्कुल ही डिसक्वालिफाइड है और कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। ये एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर इज कवर्ड अंडर सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब बात ये है कि क्वालिफिकेशन तो बहुत आसान है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन कौन वो लोग हैं जो डिस्क्वालिफाइड हैं। क्वालिफिकेशन के लिए ऑल यू हैव टू डू इज आपको बनना होगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि कंपनी का ऑडिटर केवल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो सकता है। आप इंडिविजुअली भी कंपनी की ऑडिट कर सकते हैं। अगर आप एक फर्म बनाते हैं तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जितने भी पार्टनर्स हैं उस फर्म में, उसमें से मजॉरिटी यानी कि 50% से ज़्यादा लोग सीए होने चाहिए और उनके पास सीओपी यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही केवल ऑडिटर बन सकते हैं कंपनी के। ध्यान रखिएगा कि फर्म के साथ साथ LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को भी अलाउड है कि वो भी कंपनी का ऑडिटर बन सकते हैं। हालांकि एक ऑडिटर कभी कंपनी नहीं बना सकता। Only the partners that are CA can sign this sort of a audit report on behalf of that LLP. तो ये क्वालिफिकेशन तो बहुत ही आसान थी। अब चलते हैं हम डिस्कस करने कि वो कौन लोग हैं जो डिसक्वालिफाइड। बेसिकली 141 सबसेक्शन 3 के अंदर में ये कुछ मेजर डिसक्वालिफिकेशंस कवर्ड हैं। ये वो लोग हैं जो कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। अब इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना है कि ऑडिट इज़ अ प्रोसेस जो हम चाहते हैं थोड़ी इंडिपेंडेंट हो। अगर आप अपनी मम्मी से पूछेंगे कि आप कैसे लगते हैं, तो हर माँ को अपना बेटा दुनिया में सबसे प्यारा लगता है, वो कभी बुराई कर ही नहीं पाएंगी। उसी तरीके से अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉई है जिसको कंपनी पैसा देती है कंपनी के अंदर काम करने के लिए, अरे तो कोई किसी थाली में खाएगा तो उसमें छेद थोड़ी करेगा। तो उसी तरीके से अगर एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर में कोई एम्प्लॉई है, उस कंपनी का कोई अगर पार्टनर है, उस कंपनी के अंदर कोई वर्कर है, तो वो कभी कंपनी की बुराई नहीं करेगा। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक लिस्ट बनाई गई है उन लोगों की जो कंपनी के बहुत क्लोज वंस है और उनको ऑडिटर बनने से मना कर। सबसे पहला इस लिस्ट के अंदर में जिनको मना किया है, दैट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। एनी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अलाउड टू ऑडिट अ कंपनी, क्योंकि ऑडिट करना एक बहुत ही पर्सनल चीज हो जाती है। इसमें आपका पर्सनल ओपिनियन, आपका पर्सनल एक्सप्रेशन बहुत जरूरी होता है, यानी अकाउंटेबिलिटी भी बहुत होती है। तो अगर मैं किसी कंपनी की ऑडिट पे साइन करती हूँ, तो एज एन इंडिविजुअल आई एम रिस्पॉन्सिबल टू ऑल द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं ठोक बजा के ये बोल सकती हूँ कि हाँ, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे हैं कि नहीं, एंड दोज पीपल कैन होल्ड मी अकाउंटेबल। बट अगर अपन एक कंपनी बना देते हैं और उस कंपनी के बिहाफ पे कोई साइन कर रहा है, कल को अगर वो रिपोर्ट गलत भी निकलती है तो कोई अकाउंटेबल तो हो नहीं पाएगा। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्लियरली 141 सबसेक्शन 3 के ए क्लॉज की तरफ से मना कर दिया है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अलाउड नहीं है। पर रुको रुको, अभी हम क्वालिफिकेशन में देखकर आए कि एलएलपी चलेगा, मतलब एलएलपी को हमें अलाउ करना पड़ेगा, बाकी सारी बॉडी कॉर्पोरेट जैसे कि कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती है। इसीलिए आप देखते हैं प्रैक्टिसिंग सीएस इंडिविजुअली प्रैक्टिस करते हैं, उनकी पार्टनरशिप फर्म्स होती है, उनकी एलएलपी भी होती है, लेकिन किसी भी प्रैक्टिसिंग सीए ने कोई कंपनी नहीं खोली होती है ऑडिट करने के लिए। नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन जो मैं बात कर रही थी कि जिस थाली में आप खाएंगे उसमें आप कभी भी नहीं करेंगे, इसीलिए कोई भी ऑफिसर और एम्प्लॉई अगर किसी कंपनी का है तो वो कभी भी ऑडिट नहीं करके देगा कंपनी को, क्योंकि वो बुराई करेगा ही क्यों कभी कंपनी की। इसके लिए हमने कह दिया भैया हमें बाहर का बंदा चाहिए ऑडिट करने के लिए। भले ही आप सीए हो, भले ही आपके पास सीओपी हो, लेकिन आप उस कंपनी के ऑडिट नहीं कर सकते जिसके आप एम्प्लॉई हो। अब इससे उन्हें आइडिया आया, कंपनी के एम्प्लॉई को आइडिया आया कि भाई मैं खुद ऑडिट नहीं कर सकता, पर मेरा कोई पार्टनर रहा तो मैं उससे तो ऑडिट करवा सकता हूँ, या किसी एम्प्लॉई का कोई एम्प्लॉई रहा तो मैं उससे तो ऑडिट करवा सकता हूँ। इसको रोकने के लिए हम सी क्लॉज लेकर आ गए, जहां हमने कहा कि एक आदमी जो कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉई है, उसका पार्टनर
या उसका एम्प्लॉई भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता, यानी ऑफिसर और एम्प्लॉई का पार्टनर या एम्प्लॉई भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। यहाँ तक के रूल्स बहुत ही सिंपल चल रहे थे, हमने मना कर दिया एक बॉडी कॉर्पोरेट को ऑडिट करने से, हमने मना कर दिया हमारी खुद की कंपनी के एम्प्लॉई को ऑडिट करने से, हमने उस एम्प्लॉई के पार्टनर और एम्प्लॉई को भी मना कर दिया ऑडिट करने से। अब आता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड रूल, जहाँ पे हम कुछ ऐसे लोगों को डिस्क्वालिफाई करना चाहते हैं जो लोग इंडिपेंडेंट आउटपुट नहीं दे पाएंगे, जो लोग इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने तीन प्रकार के लोगों को लिया है। वन इज अ पार्टनर, सेकेंड इज द पर्सन जो खुद सीए है, यानी सीए लिया हमने, हमने सीए के पार्टनर को लिया और हमने लिया इस पर्सन के रिलेटिव को। पर्सन खुद जो सीए है, जो ऑडिटर बनना चाह रहा है, उसका पार्टनर एंड उसका रिलेटिव, पर्सन पार्टनर रिलेटिव PPR को हमने मना कर दिया कि तुम कंपनी में तीन चीजें नहीं कर सकते हो। एक कंपनी जिसकी तुम ऑडिट करना चाहते हो, तुम उसके शेयर्स नहीं खरीद सकते, क्योंकि आप समझते ही हैं कि अगर किसी कंपनी की मैं ऑडिट करने जा रही हूं और मेरे पास उसके शेयर्स है, तो जाहिर सी बात है मैं कभी नेगेटिव रिपोर्ट देना ही नहीं चाहूंगी, वरना मेरा खुद का नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज कि आपको इस कंपनी के अंदर इन डेट नहीं होना है, क्योंकि अगर मैंने पैसा ले रखा है कंपनी से, तो फिर तो मैं कंपनी के खिलाफ कभी गलत रिपोर्ट दूंगी ही नहीं ना, क्योंकि हो सकता है कंपनी मुझे ये धमकी दे कि अगर तुम अच्छी रिपोर्ट दोगे तो हम तुम्हारा सारा का सारा कर्ज माफ कर दें। कहने का मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिटर होता है उसका एक दबदबा होना चाहिए कंपनी के अंदर, और उसे बिल्कुल भी कंपनी के अंडर किसी भी प्रेशर या कोई तरीके के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। तो ना तो उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, ना उसने कंपनी से कोई ऐसा डेट वगैरह लिया होना चाहिए जिसकी वजह से वो कंपनी की बात माने। सीधी सी बात है, ऑडिटर होना चाहिए फुल्ली इंडिपेंडेंट, तो ना तो वो ऑडिटर खुद, ना उसका पार्टनर, ना उसका रिलेटिव कोई तरीके से कर्ज में होना चाहिए कंपनी के, कोई तरीके से एहसान में होना चाहिए कंपनी के, ना उसने कंपनी में कोई शेयर्स खरीदे हुए होने चाहिए। तीसरी चीज कि किसी और थर्ड पर्सन की गारंटी नहीं ली होनी चाहिए इन लोगों ने, कि भाई कंपनी ने इसको लोन दिया और ये लोग उसके गारंटर बन के फिर रहे, क्योंकि गारंटर्स की भी तो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाती है ना, तो ये लोगों ने गारंटी भी नहीं ली होनी चाहिए। अब छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशंस में यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ, ये पर्सन पार्टनर रिलेटिव ने कंपनी में तो ये तीनों चीजें नहीं की होनी चाहिए, इस कंपनी की होल्डिंग, इस कंपनी की सब्सिडियरी, इस कंपनी की एसोसिएट और इस कंपनी की होल्डिंग की सब्सिडियरी में भी ये चीजें नहीं हुई होनी चाहिए। यानी अगर मैं आपको बताऊं तो हमने डिस्कस किया है पर्सन पार्टनर रिलेटिव ने शेयर्स, इनडेटनेस और गारंटी नहीं ली होनी चाहिए कंपनी में, कंपनी की होल्डिंग में, कंपनी की सब्सिडियरी में, कंपनी की एसोसिएट में और होल्डिंग की सब्सिडियरी में, जिसको हम प्यार से कहते हैं CHSA S of H। पर्सन पार्टनर रिलेटिव ने शेयर्स, इनडेटनेस, गारंटी नहीं की होनी चाहिए CHSA S of H के अंदर, बिल्कुल भी ये तीनों चीजें नहीं की होनी चाहिए। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन और बढ़ाते हुए बता देती हूँ कि यार ऐसे छोटा मोटा लोन तो चलता ही रहेगा ना, आज तुम ऑडिटर बने हो तो कल को तुम एडवांस भी तो लोगे ना कंपनी से काम करने के पहले, तो कह रहे हैं थोड़ा बहुत लोन वगैरह तो चलेगा, पर ये 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और गारंटी भी अगर आप किसी की लेते हैं तो वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, शेयर्स के लिए लिमिट 0 है, हम जरा भी शेयर टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि पर्सन पार्टनर रिलेटिव CHSA S of H में बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर सकता है शेयर्स, इंडेटनेस और गारंटी की लिमिट है 5 लाख और 1 लाख रुपए की। अब एक लास्ट छोटी सी कॉम्प्लिकेशन और इंसर्ट कर देती हूँ,
ये पर्सन पार्टनर रिलेटिव में जो रिलेटिव है ना, आपको अपना और अपने पार्टनर का तो पूरा पता होता है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है एक सीए डिनर टेबल पर बैठकर अपनी बहन से पूछता रहता होगा कि तूने कौन कौन से कंपनी में कितने कितने पैसे लगाए? हाँ, अगर ये अमाउंट बहुत सब्सटैंशियल ही होगा तो शायद घर पे पता होगा, मगर छोटा मोटा 10-12 रुपए का शेयर अगर सिस्टर किसी कंपनी में खरीद के बैठी है तो ऐसे थोड़ी ना सीए को हर बार के बारे में मालूम होगा कि पेरेंट्स ने कहाँ इन्वेस्ट किया है, सिस्टर ने कहाँ इन्वेस्ट किया है। तो इन लोगों ने रिलेटिव के, केवल रिलेटिव के लिए कंपनी में जो शेयर्स वाला है ना, पहला वाला टॉपिक, यहाँ पे एक एग्जेम्पशन क्रिएट करते हुए कहा है कि अगर 1,00,000 रुपए की फेस वैल्यू, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट वैल्यू क्या है क्योंकि वो तो डेली फ्लक्चुएट होगा, 1,00,000 रुपए तक का फेस वैल्यू किसी भी कंपनी में अगर शेयर केवल रिलेटिव ने होल्ड किया है तो चाल से चलेगा, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। मतलब एक्सेप्शन या एग्जेम्पशन दिया है केवल रिलेटिव को, केवल 1,00,000 रुपए, केवल फेस वैल्यू, केवल कंपनी में। मतलब अगर पर्सन ने खुद या पार्टनर ने तो 1 रुपया का शेयर लिया तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मगर अगर मम्मी, अगर पापा, अगर भैया, अगर दीदी लेते हैं शेयर्स और 1,00,000 रुपए तक की फेस वैल्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बांधो नहीं, चल से इतना तो चलेगा। और अगर 1,00,000 रुपए से ज्यादा हो भी गया तो मुझे क्या मालूम, मैं थोड़ी ना रोज मेरे रिलेटिव की खबर रख रही हूँ। तो जिस भी टाइम हमें पता चलेगा कि हमारे रिलेटिव का 1,00,000 से ऊपर हो चुका है फेस वैल्यू, वहां से अपन को 60 डेज का करेक्टिव एक्शन भी लेने का मौका मिलेगा। यानी अगर आपके रिलेटिव ने 1,00,000 रुपए से ऊपर 1.9 लाख जैसे फेस वैल्यू के शेयर्स खरीद लिए तो आपको 60 डेज का टाइम मिलेगा करेक्टिव एक्शन लेने का, यानी आप ये 90,000 का या तो शेयर्स वापस बेच दीजिए या फिर आप अपनी पोस्ट से इस्तीफा देकर निकल जाइए कि भैया हम ऑडिटर नहीं बन सकते, हमारी दीदी ने इतने शेयर्स खरीद लिए हैं। तो ये आपका पूरा रूल था जिसको हम एक बार वापस देख लेते हैं डिटेल में। लेट अस लुक एट दिस रूल। पर्सन, रिलेटिव, पार्टनर, सबसे पहला पॉइंट है सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते CHSAFH में, 1 रुपए की भी नहीं होल्ड कर सकते। मगर हमने देखा कि रिलेटिव होल्ड कर सकता है 1,00,000 तक की। गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, फेस वैल्यू ओनली। ये पहला पॉइंट ध्यान रखते हुए इन्होंने कुछ बातें बोली है जिसको हम कंसिडरेशन में लेंगे कि बात यहाँ फेस वैल्यू की हो रही है, लिमिट ऑडिटर या पार्टनर पर नहीं लगती है, ये लिमिट केवल रिलेटिव के लिए है। यानी भाई साहब, अगर सीए ने तो आधे रुपए का, 50 पैसे का भी शेयर खरीद लिया ना तो वो डिस्क्वालीफाइड है। ग्रेस पीरियड मिलेगा 60 डेज का करेक्टिव एक्शन लेने के लिए। और इन लोगों ने बता दिया है कि भैया आपके मेन रिलेटिव कौन है, मम्मी पापा भाई बहन, उसमें सिस्टर के हस्बैंड और ब्रदर की वाइफ, ये सब भी इंक्लूडेड है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि स्टेप ब्रदर, स्टेप मदर, ये सब भी इंक्लूडेड होते हैं। इनडेटनेट की लिमिट जो है आपकी 5,00,000 की है और गारंटी की लिमिट आपकी 1,00,000 की है। इसके साथ हमारा डी वाला जो सबसे मेन डिस्क्वालिफिकेशन था वो भी कवर हो जाता है। अगले डिस्क्वालिफिकेशन में हमने कहा है कि भैया कोई बिजनेस रिलेशनशिप अगर कंपनी का, कंपनी जिसमें आप ऑडिटर हैं उसका और ऑडिटर का ऑलरेडी कोई आपस में रिश्ता नाता है, पुराना पुराना, मतलब मैं सीए हूँ, मैं ऑलरेडी कंपनी की बहुत बड़ी सप्लायर हूँ, तो यार ऐसे में तो देर इज सो मच विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन बिटवीन द कंपनी एंड द सीए कि वो सीए फिर इतना इंडिपेंडेंट हो के अपना ओपिनियन नहीं दे पाएगा। तो हमें एक्चुअली एक न्यूट्रल पर्सन चाहिए ये डिसीजन मेकिंग के लिए। तो क्या कहा है कि जिस भी पर्सन का कंपनी के साथ कोई भी बिजनेस रिश्ता है ऑलरेडी, वो नहीं बनेगा भैया कंपनी का ऑडिटर। और ना सिर्फ कंपनी के साथ, आप समझ रहे हैं, कंपनी, कंपनी की होल्डिंग, कंपनी की सब्सिडियरी, कंपनी की एसोसिएट, होल्डिंग की सब्सिडियरी, और इस बार एक नया पॉइंट ऐड हुआ है, एसोसिएट की सब्सिडियरी के साथ भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भैया कल को हमने अगर किसी एयरलाइन कंपनी के साथ ऑडिट की डील साइन कर ली तो मैं उड़ी नहीं उसके हवाई जहाज में, किसी बेवरेज कंपनी, किसी फूड इंडस्ट्री की कंपनी के साथ अगर मैंने कोई ऑडिट करने की बात कर ली, ITC के साथ अगर मैंने ऑडिट साइन कर लिया तो मैं बिस्किट नहीं खाऊं उसके, तो मतलब हम त्याग दे पूरा। अगर हमने
टेलीकम्युनिकेशंस रिलायंस की कोई अगर डील साइन कर ली तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा, हम उसका कोई प्रोडक्ट ही नहीं खरीद सकते क्या। तो एक्सेप्शन में ये बोला है कि भैया अगर आप ऑर्डिनरी कोर्स में नॉर्मल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो और उसके लिए आप उतने ही रुपए दे रहे हो जितने लोग भी देते हैं, आर्म्स लेंथ प्राइस, मतलब आपको भी टिकट उतने की पड़ी जितना नॉर्मल रेगुलर आदमी को मिलती है, तो भैया एयरलाइन, हॉस्पिटल, टेलीकम्युनिकेशन, होटल, आप बिंदास इनके ऑडिट करो, आप इनके रूम्स भी बुक करो, आप इनकी फ्लाइटों में उड़ो, आप इनका खाना खाओ, बस आप आर्म्स लेंथ प्राइस पे करोगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन भैया आपको इस एयरलाइन कंपनी ने एयर माइल्स फ्री में उड़ने का मौका दे दिया जस्ट बिकॉज आप इसके ऑडिटर है, मतलब भैया ये तो घूस हो गई और उसके बाद आप इनकी ऑडिट नहीं करेंगे। एक और चीज जो बोली है वो ये है कि अगर आप वैसी सर्विसेज इनको दे रहे हो जो CA एक्ट ने अलाउ किया, भैया अगर हमारा ICAI हमको अलाउ कर रहा है तो और किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए हमें ये कहने की कि हम ऑडिट नहीं कर पाएंगे। एक एग्जांपल देती हूँ कि जो CA कंपनी का ऑडिटर बनता है वही टैक्स ऑडिट भी कर सकता है, स्टैट ऑडिट के साथ साथ जो टैक्स ऑडिट है वो भी कर सकता है। तो ये सर्विसेज एक्चुअली CA एक्ट में अलाउड है। आप उसे बिजनेस रिलेशनशिप कहकर ये नहीं बोल सकते कि अगर तुमने उसका रिटर्न फाइल किया या तुमने उसकी टैक्स ऑडिट करी है तो तुम उसका स्टैट ऑडिट नहीं कर सकते, ऐसा कोई आपको बोलेगा नहीं क्योंकि ये एक्सेप्शन में कवर्ड है। आ जाते हैं अगली रोक टोक पर। ये रोक टोक बहुत जेन्युइन रीजन से लगाई है। अगर आप एक कंपनी के बहुत बड़े डायरेक्टर या KMP यानी की मैनेजरियल पर्सनल के भाई बंधु हैं, यानी यू आर द रिलेटिव ऑफ द टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल ऑफ द कंपनी, तो भैया ये टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोगों का कंपनी में होल्ड होता है और अगर आप उनके रिलेटिव हो तो हम आपको नहीं करने दे सकते ऑडिट। नाउ यू माइट थिंक कि मैम डायरेक्टर और KMP के ही रिलेटिव्स को मना किया, ऑफिसर और एम्प्लॉई के रिलेटिव्स को क्यों नहीं मना किया? भाई बड़ी बड़ी कंपनी में एक एक ब्रांच में 600-700 एम्प्लॉई होते हैं एंड एवरी इंडियन इज माई ब्रदर एंड सिस्टर। अगर हम लोग इस तरीके से सभी एम्प्लॉयज के सभी रिलेटिव्स को मना करते हैं तो लाल टेन लेकर निकलने पर भी ऑडिटर नहीं मिलेगा कंपनी का। यानी हम एम्प्लॉयज के रिलेटिव्स को नहीं मना कर रहे, एम्प्लॉय के पार्टनर, एम्प्लॉय के एम्प्लॉय को हमने मना किया पर एम्प्लॉय के रिलेटिव को मना नहीं किया। रिलेटिव हमने केवल बड़े बड़े लोगों के मना किए हैं, जैसे कि डायरेक्टर, जैसे कि KMP, इनके रिलेटिव्स को हमने मना कर दिया कि भैया आप ऑडिटर नहीं बन सकते। अगेन अगला वाला जो डिस्क्वालिफिकेशन है काफी जेन्युइन डिस्क्वालिफिकेशन है। किसी CA के पास तो वक्त ही नहीं है सांस खाने का। दिस इज देयर कंडीशन कि वो कंटिन्यूअसली वर्कलोड में भरे हुए हैं, डेडलाइन पे डेडलाइन, तारीख पे तारीख। आपके जितने भी रिलेटिव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं आपको पता ही होगा कि वो कोई भी फंक्शन में इस हिसाब से पहुंचते हैं कि अगर उनकी कोई डेडलाइन नहीं होती है तो। सो इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू ऑलरेडी हैव सो मेनी कंपनीज ऑडिट करने के लिए, तो फिर यार आपका ऑडिट का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए इसके लिए हमने एक लिमिट लगाई। सबसे पहले तो हमने कह दिया कि अगर तुम CA हो जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, तो भैया तुम अपने ऑफिस का काम देखोगे कि तुम प्रैक्टिस करोगे? तो अगर कोई CA फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है कहीं और तो हम उससे ऑडिट नहीं करवाएंगे बिकॉज वी रियली वॉन्ट गुड क्वालिटी ऑडिट। गुड क्वालिटी ऑडिट में समय भी लगेगा, बहुत एफर्ट्स भी लगेंगे। तो अगर आप ऑलरेडी कहीं और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आपको ऑडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं या आप इंडिविजुअली ऑडिट कर रहे हैं तो भी एक CEO पे मैक्सिमम 20 कंपनीज का ऑडिट अलाउड है। कंफ्यूज मत होइएगा, आप इंडिविजुअल ऑडिट्स कितनी भी लो, आप पार्टनरशिप फर्म्स की ऑडिट कितनी भी लो, सिर्फ कंपनी के ऑडिट पर लिमिट है कि एक बंदा एक COP पे 20 कंपनी की ऑडिट कर सकता है। मतलब CA पायल 20 ऑडिट्स कर सकती है चाहे वो इंडिविजुअली अपने खुद के नाम पे साइन करे। अगर सपोज मैं 3 पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे हर फर्म के लिए 20-20 की लिमिट मिलेगी। मेरे COP पे मुझे टोटल 20 कंपनीज की ऑडिट मिली है, चाहे वो मैं मेरे नाम पे करूँ, फर्म A में करूँ, फर्म B में करूँ या फर्म C में करूँ, मिला के मुझे मैक्सिमम 20 कंपनीज मिली है जिसमें इन लोगों ने छोटी छोटी कंपनीज को निकाल दिया। OPCB की कोई ऑडिट होती है क्या? वो तो इंडिविजुअल जैसा ही है। डॉर्मेंट कंपनी में तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, उनकी तो आप खड़े खड़े ऑडिट कर दोगे। स्मॉल कंपनी ऑलरेडी छोटी है तो उसके ऑडिट में भी समय नहीं लगेगा। बात यह है कि हम बड़ी कंपनी के ऑडिट पे लिमिट लगाना चाहते हैं। सो प्राइवेट कंपनीज जिनका शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, कम
अगर 100 करोड़ है तो भी वो 20 में काउंट होगा, 100 करोड़ से कम है तो उसका ऑडिट काउंट नहीं किया जाएगा। इसमें मैं अभी सॉल्व नहीं करा रही पर आपको बता देती हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आपको दिखेगा कि एक ABC कंपनी की बात की है, मिस्टर ए बी और सी तीन लोग हैं इसके अंदर, तीनों ऑलरेडी 4, 6 और 10 ऑडिट्स कर चुके हैं। अब इनकी टोटल 20, 20, 20 यानी 60 ऑडिट्स थी इनके पास, 60 में से ऑलरेडी 20 इन तीनों का टोटल अगर मैं माइनस कर दूं तो मैक्सिमम ये 40 मोर कंपनीज का ऑडिट ले सकते हैं। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इनको इंडिविजुअली कितनी ऑडिट करने का मौका मिलेगा, तो आप अपनी प्यारी सी मैथ यहाँ लगा देना कि मिस्टर ए 20 माइनस 4 यानी 16 ऑडिट और कर सकते हैं, मिस्टर बी 20 माइनस 6 यानी 14 मोर ऑडिट्स कर सकते हैं, मिस्टर सी 20 में से 10 कर चुके हैं तो 10 और ऑडिट कर सकते हैं। इस तरीके के सम के आपको 6-6 नंबर मिलते हैं, बताओ ICAI मार्क्स बांटने पे तुली रहती है। अगला डिस्क्वालिफिकेशन है अगर आप कॉन्विक्ट हुए हो, मतलब बात तो समझो, जिसके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरों में पत्थर नहीं फेंकते। अगर तुम खुद किसी फ्रॉड के लिए कॉन्विक्ट हुए हो और उस बात को 10 साल पास हुए नहीं, तुम दूसरे पे रिपोर्ट निकालने निकले हो, दूसरे की कमी ढूंढने निकले हो, बिल्कुल हम ऐसे आदमी को ऑडिट करने नहीं देंगे जिसका खुद का कोई कैरेक्टर नहीं हो। तो ये H का डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। लास्ट डिस्क्वालिफिकेशन अगेन इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। अगर आप खुद अपने रिलेटिव्स के थ्रू, किसी फर्म के थ्रू, किसी फर्म के पार्टनर के थ्रू, फर्म की सब्सिडियरी के थ्रू, रिलेटिव के थ्रू, कुछ ऐसी सर्विसेज है जो आप CHS कंपनी उसकी होल्डिंग उसकी सब्सिडियरी को नहीं ले सकते, कौन सी सर्विसेज वो बताने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। इमेजिन करिए आप अपना खुद का पेपर खुद ही सेट करें, उसमें खुद ही आंसर्स भरें और फिर उसको खुद ही चेक करें, तो क्या उसमें कोई कमी निकलेगी, क्या आप अपने मार्क्स काटेंगे? तो जैसे कि जो सर्विसेज सेक्शन 144 में मना की हुई है कि वो ऑडिटर को नहीं करके देनी है, उसमें आता है सबसे पहले अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग का सर्विस। अगर किताब आप खुद बनाओगे तो उसमें कमी आप कैसे ढूंढोगे? सिमिलरली एक कंपनी के अंदर में 2 बार ऑडिट करवाने का ऑब्जेक्टिव होता है कि 2 अलग-अलग लोग इस ऑडिट को अंजाम दें। अगर आप ही इंटरनल ऑडिट कर रहे हो और फिर आप ही एक्सटर्नल ऑडिट करोगे तो वो ड्यूअल चेक हुआ ही नहीं। अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर खुद ही लगाएगा तो अगेन वो जब ऑडिट में उसको चेक करेगा तो उसे कोई कमी नहीं मिलेगी। एक्चुअरियल सर्विसेज से फिगर्स निकल के आते हैं बैलेंस शीट PNL के, जो हम चाहते हैं कि कोई और आदमी करे ताकि उसे चेक करने वाला आदमी कोई और हो। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज भी हम चाहते हैं कोई और लोग दे। अगर मैनेजमेंट की सर्विसेज ऑडिटर करेगा तो ऑडिटर की सर्विसेज, जो बातें ऑडिटर को मैनेजमेंट से करनी होती है, जो इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन होता है, वो सब अलग अलग लोगों को ही करना है। एक आदमी मैनेजमेंट में और ऑडिट में दोनों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो ये वो सर्विसेज है जो प्रोहिबिटेड है। अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस देने में लगे हो तो आप कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते हो। बाय चांस अगर आपने ये सर्विसेज दी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एज पर आई। ABCDEFGHI में अलग अलग लोगों को डिस्क्वालीफाई करने के बाद ये बता दिया है 141 सबसेक्शन 4 में कि अगर बाय चांस ऑडिटर बनने के बाद आपने इनमें से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन हिट किया तो आपको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा और इस वेकेंसी को कैजुअल वेकेंसी मानी जाएगी जिसको वापस फिल करना पड़ेगा। इसके साथ हमने देखा कि कौन कौन लोग हैं जो कंपनी के ऑडिटर बन सकते हैं और कौन कौन है जो पूरी तरीके से डिस्क्वालिफाइड है कंपनी का ऑडिटर बनने से।